नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ क्रिकेट की सीरीज। भारत ने दूसरे टेस्ट में 106 रनों की शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है। मैच के चौथे दिन जब भारतीय टीम गेंदबाजी करने उतरी तो रविचंद्रन अश्विन और स्टार भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट झटक कर इंग्लैंड की पारी को झकझोर कर रखा। इन दोनों के अलावा मुकेश कुमार, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को भी 1-1 विकेट हासिल हुआ। वहीं इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स 1 रन के चक्कर में अपना विकेट रनआउट के तौर पर गवा बैठे। इंग्लैंड के लिए दूसरी पारी में जैक क्राउली ने सबसे ज्यादा 73 रनों की पारी खेली, जबकि टॉम हार्टली और विकेट कीपर बल्लेबाज बेन फॉक्स ने 36-36 रनों का योगदान दिया। जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो कल के नाइट वॉचमैन रिहान अहमद और जैक क्राउली ने संभल कर सिंगल डबल के साथ मैच की शुरुआत करी और एक समय तक ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड इस लक्ष्य का एक अच्छा खासा पीछा करेगा, लेकिन रिहान अहमद के आउट होने के बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरने शुरू हो गए। रिहान अहमद का विकेट अक्षर पटेल को ने झटका था। पहले टेस्ट में 28 रन से हार के बाद भारतीय टीम के लिए मैच जीतना बहुत ज़्यादा ही अनिवार्य था, अन्यथा भारत इस सीरीज में 2-0 से पीछे हो सकता था। लेकिन भारत ने इस मैच को जीतकर सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया है और अभी सीरीज को जीवित रखा है। इस मैच में भारत की तरफ से युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में 209 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जबकि दूसरी पारी में शुभमन गिल ने 104 रन लगाकर अपनी फॉर्म की वापसी के संकेत दिए। इस मैच में एक विवादास्पद घटना तब देखने को मिली जब इंग्लैंड की दूसरी पारी के 63वें ओवर के दौरान अश्विन को अपना 500वां विकेट मिल गया था, लेकिन अंपायर के फैसले के कारण अश्विन को अपने 500वां विकेट के लिए अब अगले मुकाबले का इंतजार करना होगा। अगर अश्विन अपना 500वां विकेट इस मैच में ले लेते तो यह मैच यकीनन ऐतिहासिक बन जाता, लेकिन अब शायद राजकोट का मुकाबला इस ऐतिहासिक विकेट का गवाह बनेगा। सीरीज का तीसरा मुकाबला 15 फरवरी से राजकोट में खेला जाना है। ऐसे में राजकोट में खेले जाने वाला तीसरा टेस्ट ऐतिहासिक हो सकता है। यशस्वी जायसवाल को उनके दोहरे शतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। इस मैच की अगर बात की जाए तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 396 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम अपनी पहली पारी में 253 रनों पर ऑल आउट हो गई। दूसरी पारी में भारतीय टीम ने 255 रन बनाए और इंग्लैंड को जीतने के लिए 399 रनों का एक बड़ा सा लक्ष्य दिया, लेकिन इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में केवल 292 रनों पर ढेर हो गई। जसप्रीत बुमराह ने मैच में कुल 9 विकेट झटके। उन्होंने पहली पारी में कुल 6 और दूसरी पारी में 3 विकेट लिए थे। वहीं इंग्लैंड के लिए जेम्स एंडरसन और टॉम हार्टली ने मैच में 5-5 विकेट झटके, जबकि डेब्यू कर रहे शोएब बशीर और रिहान अहमद ने 4-4 विकेट लिए। इस जीत के बाद दोनों ही टीम अब सीरीज में बराबरी पर खड़ी हो चुकी हैं। सीरीज के अभी 3 मैच बाकी हैं और अब सीरीज के रोमांचक होने के पूरे आसार हैं। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि भारत की जीत का असली हीरो कौन रहा, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह या फिर यशस्वी जायसवाल। और इसी तरह की क्रिकेट से रिलेटेड खबरों को देखने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।